साथियों, हर बार की तरह हर हफ्ते मैं आपको किसी ना किसी सक्सेस से मिलवाता हूं। हमारे इंस्टीट्यूट में अलग अलग साथी आते रहते हैं। आज हमारे बीच में आए हुए हैं नीरज शर्मा भारती जी, जो NIT फरीदाबाद से विधायक हैं। नीरज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नीरज जी का परिचय दूं मैं, क्योंकि प्रवासी भी हैं और हरियाणा से विधायक भी हैं। इससे पहले इनके पिताजी भी विधायक रहे, इंडिपेंडेंट विधायक बने और मंत्री भी रहे वो। और अभी जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में नीरज शर्मा नाम अगर आप YouTube पर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं, या यूं कहें कि खुराफात है, जो लगातार वो करते रहते हैं। आज उनसे उनके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नीरज भाई। धन्यवाद। सबसे पहला कहना चाहूंगा कि सर ने एक परिचय नहीं दिया, मैं सर का स्टूडेंट भी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है, राजनीति में आपका अनुभव, क्योंकि आपके फादर राजनीति में रहे, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, आप कांग्रेस से चुनाव लड़े, क्या फर्क लगा आपको, क्योंकि दोनों इलेक्शन आपने करीब से देखे, जब आप इंडिपेंडेंट लड़े और जब पार्टी से लड़ते हैं तो? सर देखो, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाले के साथ एक तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है, चाहे वो जितनी मजबूती से लड़े, डेली सुबह एक अफवाह फैलती है कि आज वो बैठ जाएगा। अच्छा, किसके समर्थन में या किसी विरोध में? आपको डेली ये सिद्ध करना होता है कि नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं रेस में हूं। बाकी तो और बहुत फर्क है, प्रचार के लिए कम समय मिलता है, कोई बड़ा नेता नहीं आ पाता। और मेरा ये मानना है कि इंडिपेंडेंट चुनाव मजबूरी में लड़ा जाता है, शौकिया नहीं लड़ा जाता। अच्छा, परिस्थितियां नहीं है तो नहीं लड़ना चाहिए, ये कह रहे हैं? नहीं, जैसे 2009 में हमारे यहाँ डिलिमिटेशन हुआ, बचपन से एक सपना था सबका कि भाई हमारी कॉलोनियों का MLA हो, हमारी सीट अलग हो गई, पर जो भी राष्ट्रीय दल थे या क्षेत्रीय दल थे, धरातल पर आके वो बूथों को उस हिसाब से सेग्रीगेट नहीं कर पाए कि जहाँ पर ये मैसेज जा सके कि नहीं, अब ये सीट अलग हो गई है, यहाँ के स्थानीय निवासी को टिकट मिलनी चाहिए, ये मुद्दा है वहाँ पर उस विधानसभा में। टिकट नहीं दी, लोगों ने इकट्ठा किया। एक तो जो ज़्यादातर शौकिया खुद खड़े हो जाते हैं, मैं समझता हूँ निर्दलीय उनकी जीतने की संभावना कम होती है, पर जब कभी ऐसी मजबूरी या परिस्थिति आ जाती है कि कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसको कोई दल हाथ नहीं लगाता और वहाँ के क्षेत्र की जनता कहती है कि आप इस मुद्दे को लेके चुनाव लड़ें, तो निर्दलीय जब आदमी चुनाव लड़ता है तो उसके ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं। और निर्दलीय चुनाव मजबूरी में ही लड़ा जाता है कि जब आपको किसी दल की, मतलब आप कहना चाह रहे हैं या तो व्यक्ति का जनाधार हो या जनता कह रही हो, दोनों परिस्थिति के अलावा निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, जब आप पार्टी से लड़े तो पार्टी ने क्या स्वीकार कर लिया तुरंत, या वहां भी दिक्कत आई पार्टी ज्वाइन करने में? नहीं, ऐसा था कि हमारा परिवार शुरू से ही कांग्रेसी विचारधारा से जुड़ा रहा। जैसे ही हम लोग 2009 के अंदर चुनाव जीते और हुड्डा साहब से हमारे पारिवारिक संबंध आज भी हैं, उस समय भी थे, तो हम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हुड्डा साहब को खुद फोन करके कहा, काउंटिंग सेंटर में वैसे तो फोन अलाउड नहीं होता, एक पत्रकार साथी। अच्छा, मतलब जैसे ही रिजल्ट आया उसी समय पर? हाँ, तो हुड्डा साहब फोन नहीं उठा रहे थे, तो मुझे कुदरती मिसेज हुड्डा का नंबर भी याद था, तो मैंने उन पत्रकार साथी के फोन से फोन किया। मैंने कहा जी वो बड़े साहब फोन नहीं उठा रहे और हम तो चुनाव जीत गए, बाकी भी जगह देख लो, कभी निर्दलियों की जरूरत पड़े। कहने लगी तेरे पे इस नंबर पे भी बड़े साहब का फोन आ रहा है। तो हुड्डा साहब का फोन आया, मैंने साहब के साथ अपने फादर की बात कराई, क्योंकि हमारे बॉन्डिंग थी उनके साथ, हुड्डा साहब के साथ। तो हुड्डा साहब कहने लगे भाई क्या, हमने कहा जी हम बस 1-1.5 घंटे में यहाँ से फारिग होके सीधा आपकी कोठी पे ही आ रहे। तो हम 7 निर्दलीय जीते थे 9 में से, और हम अकेले ऐसे थे जो स्वयं हुड्डा साहब के पास गए थे, ना हमारे को कोई लेने के लिए आया, ना किसी ने कोई बात की। और अहमद पटेल जी उस समय जिंदा थे, साथ के साथ हुड्डा साहब, अहमद पटेल जी हमें मैडम के पास भी लेके गए, और हमने तो काउंटिंग सेंटर पे ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम कांग्रेस को ही समर्थन देंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि मंत्री बनने के लिए ऐसा किया गया क्योंकि पता था मंत्री बन सकते हैं। नहीं, हमने तो जब हुड्डा साहब को फोन किया ये भी नहीं पता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। अच्छा, क्योंकि टीवी तो हमारे आगे था नहीं, तो हमने तो सिर्फ यही बताने के लिए फोन किया था कि हम लोग आ रहे हैं। और उसके बाद फिर जब पता लगा कि निर्दलीय MLA जीतेंगे और निर्दलीय MLAओं के समर्थन से सरकार बनेगी,
ना कभी हुड्डा साहब ने कहा कि मंत्री बनाऊंगा, ना मेरे फादर ने कभी कोई ऐसी डिमांड रखी, वो सब प्रभु की कृपा है। अच्छा, एक आपने हुड्डा साहब का नाम ले लिया, मैं उसी के ऊपर बात करता। जो हरियाणा में राजनीति चल रही है, गुटबाजी का बहुत आरोप लग रहा है, खासकर से अभी नाम तो नहीं लेना चाहिए नेताओं का, लेकिन हुड्डा साहब पर ही आरोप लग रहा है कि वो अपनी ही चला रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से सब हो रहा है, कंसेंसस नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, हुड्डा साहब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और राजनीति का लंबा अनुभव भी है। आपने खुद ही कहा कि आरोप लग रहे हैं, जी नहीं, हमारे आरोप पास तो कोई प्रूफ नहीं है ना उस चीज का, तो हम ये सब विपक्ष की चाल है, विपक्ष कांग्रेस के लिए कहता रहता है। अब कोई भाजपा में बात ही नहीं कर रहा कि अनिल विज जी मीटिंग में क्यों नहीं जाते, अनिल विज जी दोबारा मंत्री क्यों नहीं बने, धनखड़ जी मीटिंग में क्यों नहीं जाते हैं, कि वह कांग्रेस में गुटबाजी है गुटबाजी है। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हुड्डा साहब हमारे आज की तारीख में सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं, हाथ के पंजे के नीचे सब एक हैं, हाथ के पंजे का एक छत्र राज है हमारी पार्टी के अंदर। और महत्वाकांक्षाएं तो इच्छाएं सबकी होती हैं और राजनीति में सबको रखनी भी चाहिए। अच्छा, तो नीरज शर्मा जी की भी है कुछ ऐसी नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा? तो एक ही महत्वाकांक्षा है भाई, मैं वचन भी दे के आया हूँ। पीछे मेरा 54 दिन का तपस्या थी, मैं नंगे पैर था। जी, जब बताया मैंने आपने। अयोध्या में कपड़े पहने तो मैंने प्रभु से यही कहा कि भाई मेरी 54 दिन की तपस्या का कोई फल मिल रहा हो तो वो मेरे भाई दीपेंद्र को मिल जाए। मेरी तो इच्छा जरूर है कि भाई मैं जीते जी दीपेंद्र हुड्डा को एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे अच्छा, जरूर देखूं। बाकी तो भूपेंद्र हुड्डा जी को तो आपने पहले साइडलाइन कर दिया नहीं, कि हाँ। साइडलाइन नहीं कर दिया, जब दीपेंद्र भाई का वक्त आएगा दीपेंद्र भाई भी बनेंगे। फिलहाल आज हरियाणा की जनता मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। हरियाणा की जनता जैसे कोई गौ माता होती है ना, वो बिछड़ जाए तो उसकी बछिया रोती है अपनी माँ के बगैर। आज हरियाणा की जनता हुड्डा साहब के बगैर रो रही है। अच्छा, आज फरीदाबाद में ही थे हुड्डा साहब। हुड्डा साहब शहर को क्या से क्या बना गए, मेट्रो दे गए हमें, ये ईएसआई का अस्पताल दे गए, बदरपुर का फ्लाई ओवर दे गए, आईएमटी दे गए। आज शहर के इस कोने से उस कोने में आने में पौना घंटा लग रहा था, जबकि स्मार्ट सिटी है, नेशनल कैपिटल रीजन है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, जस्ट दिल्ली से जुड़ा हुआ हमारा जिला है। जो हुड्डा साहब काम बट बीजेपी करके सरकार कह रही है हमने बहुत ज्यादा काम कर दिया, हमने तो यहाँ की कीमतें देखिए जमीन की कितनी कर दी हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं। नहीं, देखिए पहली बात तो भाजपा झूठ बोलने में नंबर वन है। अच्छा उनका झूठ बोलने का ना मैं कंपटीशन कर सकता हूँ ना आप कंपटीशन कर सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, जब भाजपा ले आते तो कांग्रेस के लिए यही बोलते हैं, नहीं, यहाँ तो यही समस्या है ना। मैं तो तथ्यों पे बात करता हूँ। इन्होंने पूरे देश में कहा गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। हुड्डा साहब ने गुजरात मॉडल को तोड़ा था। अमूल फैक्ट्री सबसे पहले गुजरात से निकल के कहीं उसने प्लांट लगाया तो मेरे फरीदाबाद के आईएमटी में लगाया। अगर जो गुजरात मॉडल इतना अच्छा था तो अमूल क्यों आई फरीदाबाद के अंदर? भाजपा वाले बताएं 10 साल के अंदर फरीदाबाद में कितनी नई फैक्ट्रियां लगाई, बीजेपी वाले बताएं कितने रोजगार लगाए। और आप छोड़िए, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, चाहे छोटे राज्यों में प्रति व्यक्ति आय की बात हो, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश की बात हो, हमारा हरियाणा नंबर वन था। रोजगारी में हम नंबर वन थे। आज डेटा आ रहा है सीएमआई का, 43-43% की बेरोजगारी है हरियाणा के अंदर। आज डेटा आ रहा है कर्ज का, 2014 तक हमारे हरियाणा के ऊपर मात्र 70,000 करोड़ का कर्ज था, जिसमें हुड्डा साहब ने 4 तो पावर प्लांट लगाए थे, कितनी यूनिवर्सिटियां खोली। इन्होंने 10 साल में क्या किया? आपको क्या लग रहा है, हुड्डा साहब की सरकार आएगी तो रोजगार दे पाएगी? है कोई ब्लूप्रिंट सरकार के पास, कांग्रेस के पास? देखिए, सरकार के आने से सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। हुड्डा साहब जब 10 साल हरियाणा में राज चलाया तो हुड्डा साहब का एक ही नारा था कि भाई या तो हरियाणा छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। आज स्टेट का स्टेट से कंपटीशन है, जिले का जिले से कंपटीशन है। आज जैसे हम बात करें एनसीआर की ही,
राजस्थान का हिस्सा भी आता है, उसमें यूपी का हिस्सा भी आता है, दिल्ली भी उसका पार्ट है, हमारा हरियाणा भी उसका पार्ट है। जब अपराध बढ़ेगा तो व्यापारी ना तो वहां रहना पसंद करेगा ना वहां व्यापार करना पसंद करेगा। आज की तारीख में हरियाणा अपराध में नंबर वन बन चुका है। आपने देखा XML की दिन दहाड़े हत्याएं हुई, MLO को कॉल आती है, MLO से फिरौती मांगी जाती है। पीछे एक MLA इतने परेशान हो गए, उनके ग्रांड सन ग्रांड डॉटर स्कूल नहीं जा सकते थे, उनके माँ बाप ने कहा कि तू बेटा इस्तीफा ही दे दे, विधायक बन के तूने क्या कर तो आपको लिया। लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने से हाँ, व्यापार ठीक दस होता? साल हुड्डा साहब का जो राज था, हुड्डा साहब के राज की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हुड्डा साहब ने एक स्ट्रिक्टनेस कर रखी थी कि भैया या तो हरियाणा छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। जो अपराध नहीं छोड़ सकते थे उन्होंने हरियाणा छोड़ दिया या अपराध छोड़ दिया। जब ये दो चीजें हमारी हरियाणा की धरती से खत्म हो गई तो लोगों में विश्वास आया। एक विश्वास पे ही बात करेंगे, हरियाणा में सरकार बनने में लग रहा है आपको विश्वास है सरकार बन जाएगी कांग्रेस की? देखो जी, रामायण की चौपाई है, हुई है वही जो राम रचि राखा, गोकर साखी तर्क बढ़ावा। अब प्रभु की कोई मर्जी है तो मैं कह नहीं सकता, बाकी तो अब दीवार पे लिखा पड़ा है कि कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही नहीं, 5 सीटें ही जीते हैं अभी तो, ऐसा तो नहीं है कि एक तरफा लहर दिख रही हो? है। नहीं, आप उसको इस तरीके से देखिए, पहली बात तो हम लोग 9 सीटों पे चुनाव लड़े, 9 में से हम 5 जीते, अच्छा, तो बहुमत तो हमारे पास हो गया, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ पड़ा है, पर उस ग्राफ में भी आप जब देखेंगे जो 17% का उछाल आया है वोटों में, वो सबसे ज्यादा हरियाणा में आया है। हमारा हरियाणा नंबर वन है, बाकी किसी स्टेट में 15 आया है, किसी में 16 आया है, किसी में 14 आया है, किसी में 12 आया है, किसी में 11 आया है। आप पूरे स्टेट का डेटा निकालेंगे तो उस समय आप पाएंगे कि हरियाणा के अंदर 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले जो वोट शेयर बढ़ा 2024 है वोट नहीं, वोट शेयर पूरे हिंदुस्तान में स्टेट वाइज सबसे हरियाणा का ज्यादा। सबसे ज्यादा बड़ा है। दूसरी बात, जो टोटल वोट कांग्रेस को मिली है, आप बाकी स्टेट की तुलना में करेंगे, हमें लगभग 43% वोट मिली है, 4% वोट एक सीट हमारी इंडिया गठबंधन में थी उसको हम जोड़ते हैं तो 47% वोट हमें मिली है। वोट परसेंटेज में भी कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा किसी स्टेट में वोट मिली है तो वो हरियाणा के अंदर ही अच्छा, मिली है। इंडिया गठबंधन की आपने बात की, उस पर भी एक सवाल है कि क्या गठबंधन में जाएंगे या अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? आपको क्या लग रहा है? आप ये मत कहिएगा कि सेंटर डिसाइड करेगा या स्टेट टीम डिसाइड करेगा, आपका ओपिनियन क्या है? देखो, ये तो हमारे बड़े नेता ही तय करेंगे कि फिर भी एक हम, विधायक के नाते आपको क्या लगता है, जाना चाहिए? अब देखो एक इंडिया गठबंधन बना है, उस नाते बड़े नेता जो भी फैसला लेते हैं हमें तो स्वीकार ही करना है। और मैं क्योंकि पार्टी की बड़ी ये गूढ़ पॉलिसी से जुड़ा हुआ विषय है, मैं पार्टी का ऑथराइज पर वक्ता भी नहीं हूं, इस विषय पे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, ये पार्टी को निर्णय लेना है। आपके फरीदाबाद की बात करते हैं, NIT में फायदा होगा अगर गठबंधन में जाते हैं? देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में एक एक वोट कीमती है। जाहिर बात है कि मेरी सीट पे जो भी बाकी दल हैं उनके प्रत्याशी नहीं आएगा, तो उनके जो भी साथी हैं कार्यकर्ता हमें साथ देंगे, फायदा तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन पूरे स्टेट में वो स्टेट टीम या नेशनल टीम तय करें, वो तो देखो हमारे बड़े नेताओं ने तय करना क्या है। मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ही होंगे, श्योर है, या वो भी बड़े नेता तय करेंगे? देखो वैसे तो जो पार्टी की एक परिपाटी है वो है, पर हुड्डा साहब क्यों नहीं होंगे मुझे तो इस बात को लेकर प्रश्न संशय है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी है, हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे के नीचे हम चुनाव लड़ रहे हैं। पर आज हम देखें स्टेट लीडरशिप की, खास तौर से बात करें, नहीं, कुमारी शैलजा भी हैं और भी हैं काफी ऐसे। नेता सारे हमारे आदरणीय हैं, माननीय हैं, सब माननीय हैं, परंतु जो प्रदेश में हुड्डा साहब की गुडविल है, मैं ये नहीं कह रहा उनकी कम है, उनकी भी है, पर हुड्डा साहब के ऊपर लोगों का विश्वास है, और 24 के अंदर मैं समझता हूँ हमारी सेंट्रल लीडरशिप भी इस चीज को समझेगी, हरियाणा की जनता भी समझ चुकी है,
चुनाव हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और हुड्डा साहब की ही जुबान पे कांग्रेस पार्टी चलिए की हरियाणा से सीएम। आगे चलते हैं, राजनीति पर बात करते हैं। जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, आप भी युवा ही थे जब, अभी भी युवा ही हैं, खैर ऐसा तो नहीं कहेंगे युवा नहीं है, लेकिन युवाओं को राजनीति में जो चैलेंज आते हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज पैसे की कमी है। तो अगर व्यक्ति के पास पैसे ना हो तो उसे राजनीति करनी चाहिए नहीं? बिल्कुल खुल के नीरज जी। शहनवाज जी, ये शायद जो मैं बोलूंगा ना आज इतना वैल्यूएबल नहीं होगा, मेरा इस धरती से जाने के बाद बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। अच्छी बात है, बताइए। मैंने चुनाव लड़ा, मेरे पिताजी की एक विरासत थी वो जिंदा रही, लोगों ने जिता दिया, दोबारा फिर चुनाव के मैदान में जाने को खड़े। सब कुछ होते हुए मेरा राजनीति में एक स्वप्न है कि बिना पैसों की राजनीति कैसे हो, और जिसको मैं मेरे जीवित रहते पूरा नहीं कर सकता, मैं बीज डाल के जाऊंगा, होगी तो मेरे मरने के बाद। इंस्टीट्यूट में हम भी यही डिस्कशन करते थे। कब जैसे मैंने सोचा हुआ है, आज मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर है, और जीते जी मैं मेरी मदर को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता कि जिस दिन भी मेरी मदर इस धरती पे नहीं होंगी मैं उसके 1 महीने बाद ही घर छोड़ूंगा। आज ये कहना तो बहुत आसान है कि नेता अच्छा हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, उसके अंदर वो सारे विकार पैदा कहाँ से होते हैं? कहाँ से होते हैं थोड़ा मैं बताइए। आपको हाँ बता ही रहा हूं तफसील से। जो जी मेरा जी सपना है जी कि जब मैं जनता के लिए जनसेवा का कार्य कर रहा हूं तो मेरा एक ऐसा घर हो जिसमें कोई दरवाजा ना हो, कोई बहुत ज्यादा चीजें ना पड़ी हो, 2 टाइम की रोटी खानी है। इतने चाहने वाले हैं विधानसभा में, फोन कर दे भैया आज खिचड़ी खिला दो, आज तूरी की सब्जी नहीं, खिला अब तो दो। आप विधायक बन गए ना भाई, मैं बात कर रहा हूँ जिसके पास पैसा नहीं कुछ नहीं मैं है वो। उसमें सारी चीज का निचोड़ आ जाएगा। जी मैंने कहा कि मेरा सपना है और वो मैं कब चालू करूंगा, जिस दिन मेरी मदर नहीं होगी। आज मैं घर छोड़ूंगा, सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी माँ को होगी, वो मैं काम नहीं कर सकता। मैं तो चाहूंगा मेरे उस घर में एक पानी का गिलास भी ना हो। आज हम लोगों के यहाँ समस्या क्या है, चाय पिला दी तो मीठा क्यों नहीं है साथ में साथ? अब सुबह से शाम तक 500 आदमियों ने आना है, आप कहाँ से लेके आएंगे इतना मीठा? मीठा छोड़ो, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हुँ। हूँ। मैं आज भी कहीं जाता हूँ तो शगन के 100 रुपये देता हूँ। बेटी की शादी में मैं खाना वाना खाता नहीं, लड़के की शादी में भूख लगी तो खा लिया। एमएलए बनने के 1-1.5 महीने बाद जो एक कोर टीम थी हमारी, हमारे फादर के साथ काम किया, हमारे को गाइडलाइन किया, तो उन्होंने कहा कि भाई बॉबी तेरी कंप्लेंट आ रही है, बॉबी मेरा निकलने है। मैंने कहा क्या? कहने लगे भाई तू पहले भी 100 रुपये डालता था लिफाफे में, अब भी 100 रुपये डालता है विधायक बनने के बाद भी 100 रुपये तो देते डालता है। हैं। लोग कह रहे हैं, मैंने कहा जी एक एक दिन में 100 100 कार्ड होते हैं तो मैं तो 50,000 रुपये कहाँ से लाऊं? तो सब आपस में कहने लगे कि भाई ऐसा है आज के बाद तू 250 रुपये डाल दियो, चल 500 मत डाल। मैंने कहा जी मैं जाना तो छोड़ दूंगा, 100 रुपये। मैं 100 रुपये से ऊपर नहीं डाल सकता, नहीं है मेरी की इतनी तनख्वाह। एक मैंने संकल्प ले रखा है कि भाई मैं विधायक हूँ, मैं मेरी तनख्वाह में अपना गुजारा करूंगा और मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो सर तकलीफें आती हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। चलो चुनाव में आपके यार दोस्त मित्र मदद कर देते हैं, चुनाव की नैया आपकी पार लग जाती है, आप हर महीने दोस्त का मुंह भी नहीं देख सकते, अपने चाहने वालों से भी नहीं कह सकते कि साहब ये बच्चा गरीब है इसकी मदद कर दो, आप कहाँ से करेंगे मदद? मतलब जीतने के बाद भी वही चैलेंज है जो जीतने से पहले है हाँ और ज्यादा है, और ज्यादा है। कोई धर्मशाला बन रही है इसके लिए, कहीं कोई और सामाजिक कार्य हो मंदिर, रहा मस्जिद, है। गुरुद्वारा। हालांकि फिर उसका मैंने एक रास्ता निकाला, या मैंने तो रास्ता नहीं निकाला, प्रभु की कृपा रही, मैं राम कथा करने लगा। और मैं राम कथा करके जो भी पैसा अर्जित करता हूँ मैं अपने घर में एक केला भी नहीं लेके जाता। और कोई मेरे से कहता है कि भाई ये गरीब लड़की है इसकी शादी में दे दो, तो भी मैं हाथ जोड़ देता हूँ कि भाई सामूहिक विवाह होते हैं आप उनमें करवा लीजिए गरीब हैं तो। या कोई कहता है ये गरीब बच्चा है जी इसकी फीस नहीं भरी जा रही,
भैया सरकारी स्कूल में एडमिशन करा लीजिए, सरकारी स्कूल खुले इसलिए हैं, आपको एडमिशन में तकलीफ हो रही है, मैं मदद करूंगा। मेरे फादर क्योंकि कैंसर में गए थे, तो मैं राम कथा करके जो भी पैसा कमाता हूँ तो वो मेरे पास एक लिस्ट रहती है, या पता भी लगा रहता है कि इस कॉलोनी में या गांव में इस परिवार के घर में कैंसर जैसी बीमारी हो गई ना, मैं लेने वाले का नाम बताता हूँ कि इस भाई ने मुझे इतने पैसे दिए, ना मैं देने वाले का नाम बताता हूँ, अच्छा, वो आप कैंसर पेशेंट के उसको दे देते घर हैं पे जाके चुपचाप मुट्ठी भींच के दे देता अपनी विधानसभा का। जो मेरे को मिलता है उससे भी मुट्ठी भींच के लेता हूँ, और उससे कह भी देता हूँ कि भाई देख मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये जो तू कुछ भी देगा किसी ना किसी कैंसर के मरीज के घर जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करूंगा और ऑडियंस से भी कहूंगा कमेंट करके अप्रिशिएट करें अगर नीरज शर्मा जी की बात, क्योंकि दिल को छुई मेरे भी कि आप बिना बताए कि नहीं, ना लेने वाले का नाम ना देने वाले का नाम। लेकिन जो मूल सवाल था वो ये था, क्या जिनके पास पैसे नहीं उन्हें राजनीति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? खुल के इसका जवाब नहीं आ सर पाया। बहुत मुश्किल है आज की तारीख, बहुत मुश्किल है। तो क्या करें, पहले वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर लें, क्या करें पहले? देखिए आप सिखाते भी हैं, आपके इंस्टीट्यूट में आए सबसे पहले तो आपने चैप्टर उसके ऊपर भी बना ही रखा है। वो तो ट्रेनिंग में है ही नहीं, फिर भी एक जर्नल उसमें क्या, पहले आर्थिक स्थिति ठीक करें। सर वो एक वो डायलॉग नहीं है ना, खुदा की कसम ये पैसा सब कुछ नहीं है, पर कसम खुदा की, खुदा से कम खुदा से भी। कम भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि पैसे के बगैर राजनीति नहीं हो सकती, हो सकती है, बहुत रेयर चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। और इसको आसान बनाते हैं सवाल को, ताकि आप आसान जवाब दे पाए। चुनाव जीता जा सकता है बिना पैसे के? सर ऐसा नहीं है कि नहीं जीता जा सकता, जीता भी जा सकता है, पर वो उदाहरण बहुत कम है। अब जैसे हमारे फरीदाबाद का चुनाव हुआ रिसेंटली लोकसभा का, अब इस चीज को कोई मानेगा नहीं, पर आप फरीदाबाद में जाके सर्वे करेंगे तो हकीकत बात यह है कि फरीदाबाद का चुनाव सिर्फ पैसे की वजह से जीता अच्छा, गया। एक अंदाजा कितना पैसे की वजह से? भाई अब लोग तो बता रहे हैं 100-100 करोड़ रुपया लगा है, पर 100 तो नहीं, मैं समझता हूँ भाजपा कैंडिडेट का कम से कम 60-70 करोड़ तो लगा ही लगा है लोकसभा में लोकसभा, क्योंकि वो दिख रहा था चुनाव में, जैसे गली मोहल्ले के छोटे मोटे वर्कर होते हैं, एक का इतनी बड़ी बोर्ड 5, हमारे चुनाव में भी भाई हमारा साथ रहता, तो मैंने वैसे फोन मिलाया, मैंने कहा भाई नेताजी इतना बड़ा नेता, अब मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा, कह रहा भाई साहब एक गड्डी आई है, 20 पेटी आई हैं और 21,000 की होर्डिंग का रसीद आई है, मतलब ही इज लिटल, मतलब वो भाई गली का नेता है, वो अपनी गली की वोटें कल्टीवेट करता है, जब उस तक इतनी रसद पहुंच रही है तो बाकियों तक तो क्या पहुंच रहा होगा। और मैं तो एक बात कहूंगा, अभी देखिए समाज सेवा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप राजनीति में ही आए, समाज सेवा करने के और भी तरीके हैं, और भी बहुत सारे बिल्कुल। तरीके हैं, पर राजनीति में आप आ रहे हैं तो भाई आज की तारीख में तो राजनीति वो चीज हो गई कि घर फूंक के ही आप तमाशा देख सकते हैं, बिना घर फूंके तमाशा देखना मुझे तो बहुत असंभव। अच्छा, एक भ्रष्टाचार के ऊपर आपकी बड़ी बात होती है, क्या आप भ्रष्टाचार पे बड़ा मुखर होके बोलते हैं, कभी आपने लेकिन कांग्रेस से भ्रष्टाचार पे तो बात नहीं की? देखिए सर हारे को हर नाम है, लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव होता है, चुनाव आपके अच्छे बुरे का परिणाम होता है, बात तो उसी पे होगी ना जो सत्ता में है। अच्छा, कांग्रेस आज पिछले 10 साल से ने कभी कुछ गलत नहीं किया? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि कांग्रेस ने कभी गलत नहीं किया, और पार्टी कोई गलत नहीं करती, पार्टियां सारी अच्छी हैं, गलत या सही उस पार्टी में जो लोग काम करते हैं वो करते हैं, नेता गलत कर, पार्टी कोई गलत नहीं है, और कांग्रेस जैसी पार्टी के बारे में तो सोचना भी पाप है जिसकी जड़ें देश की आजादी से जुड़ी हो, हालांकि वो एक अलग विषय है कि 1857 की क्रांति के बाद कांग्रेस की स्थापना हुई, ये भी हुम जी ने करी, किन मकसद को लेके करी, पर धीरे धीरे सारे स्वतंत्रता सेनानी जुड़ते गए और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी मुख्य धारा की पार्टी बनी जो हमारा देश आजाद हुआ उसके अंदर आज कांग्रेस पार्टी की बहुत ज्यादा भूमिकाएं हैं, और गलत कार्य या ठीक कार्य एक अलग विषय। जो भ्रष्टाचार की बात करी, मैं हरियाणा से विधायक बना, बिल्कुल विधायक बनने के बाद मैंने कोई भी भ्रष्टाचार की ऐसी बात नहीं करी जो मैं कोई अलग से लेके आया हूँ। एक विधायक बनने के बाद हमारे पास सीएजी की रिपोर्ट आती है, और सीएजी मेरी तो है नहीं,
भारत तो सरकार की सरकार की संवैधानिक संस्था है, वो जो सीएजी कहती है हम तो उसी पे कार्य करते हैं। बिल्कुल उस कार्य में किसका क्या क्या हिस्सा है, बहुत से लोग उसको छोड़ देते हैं, पर मेरे पास जो पैरा आते हैं, जानकारी आती है, उसके लिए मैं एक हद तक जाता हूँ, संघर्ष करता हूँ। ये मेरे अंदर व्यक्तिगत अच्छाई कह लें, बुराई कह लें, और मैं कभी भी विधायक बनने के बाद किसी को परेशान नहीं करता। नंगे पैर रहा तो मैंने अपने शरीर को ही तकलीफ दी। एक आपके बारे में फेमस है कि आप ये कहेंगे काली जबान कह लो या सरस्वती रहती है जबान पे, जिसे बोलते हैं वो हो जाता है। आपने बोला मुख्यमंत्री आप कुर्सी पे नहीं रहेंगे और देखो हरियाणा के मुख्यमंत्री हट गए। देखो, ये मैं कुछ नहीं करता हूँ, करने वाले नहीं, राम बीजेपी जी वाले कह रहे हैं। हैं काली जबान है इस आदमी की, तो ये तो बोलता है तो हो जाता है। नहीं, ये तो देखो प्रभु की कृपा रही, और ऐसा क्या जब था, वो इंसिडेंट क्या था, थोड़ा बताएंगे? आपने मुख्यमंत्री को ऐसा क्यों बोल दिया? कहीं अंदर से आवाज आई, आपको पहले ही पता था कि इनको हटाया जाने वाला है? नहीं, इनको हटाया जाना है ये तो इनको खुद को नहीं पता था। हाँ, एक दिन पहले मोदी जी जितनी तारीफ करके गए थे गुड़गांवा के अंदर, मनोहर जी के बारे में जो बता के गए थे, मनोहर जी को खुद भी इलम नहीं था मुख्यमंत्री को अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कि वो एक झनकाटा है पंजाबी के अंदर, के दो आदमी बात कर रहे थे कि साहब फलाने नेता के संग बड़ा बुरा हुआ। वो रात तक तो मंत्री था, सुबह नहीं रहा। वो कहने लगा जी ओदी बीबी नाल बड़ा बुरा हो गया। कहने लगा की हो गया? कहने लगे राती सुती था वजीर नाल सीगी, सवेरे उठी था फकीर नाल सीगी। मनोहर जी का तो खैर विवाह नहीं हुआ। ठीक है। ये मन में विधानसभा में बात आई थी, क्योंकि मेरी विधानसभा के लोगों को बड़ा त्रस्त किया कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, जब मैं विधायक बना, मैंने विधायक की शपथ ली, तो मेरी विधानसभा से जो विधायक था मेरे से पहले, वो चुना किसी और दल के ऊपर था, और वो भाजपा को अंदर खाने समर्थन देता था और राज्यसभा में बिक भी गया था। अच्छा, हम विधायक अगर हम बने, बात करें तो बीएसपी की हम बात कर रहे हैं, नहीं वो है इंडियन नेशनल लोकदल इंडियन से, नेशनल लोकदल की बात कर रहे हैं। हमने जब विधायक की शपथ ली तो मुझे पहली बार ज्ञात हुआ कि यार हम चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़े हैं, शपथ हमने हरियाणा के विधायक की ली है, उसमें कहीं कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं थी। रामाकृष्णा भी हुई, मनोहर जी प्रचारक जब थे तो हमारे फरीदाबाद, हमारे इलाके में रहना सब भी हुआ इनका, तो मुझे पता लगा कि साहब हर मंगलवार को ये एमएलओ से मिलते हैं कि अपनी विधानसभा के कार्यों को लेके। तो मैं गया तो एक पत्रकार साथी ने पूछा कि नीरज जी क्या आप भी उसी की तरह बीजेपी ज्वाइन करेंगे? मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो आज पहली बार जा रहा हूँ, और मैं मनोहर लाल जी से पूछूंगा कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं या भाजपा के 40 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं? अगर जो वो कहेंगे कि मैं भाजपा के 40 विधायकों का मुख्यमंत्री हैं, तो नमस्ते करके वापस आ जाऊंगा। वो कहेंगे मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री है, तो मैं अपनी हरियाणा की जनता की समस्याओं को जरूर बताऊंगा। सही। शायद लोहड़ी का दिन था या उससे पहले की बात थी, मैं गया, कागजात थे विधानसभा के, कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम थे, तो मैंने कहा जी आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं या भाजपा के 40 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं? अच्छा, आपने ऐसा डायरेक्ट बोला हाँ, उनसे? अच्छा, डायरेक्ट पूछा मैं, भी मेरी पहली मुलाकात थी। कहने लगे मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ। मैंने कहा हरियाणा के हो तो जी मेरी भी विधानसभा इसी में आती है, मेरे भी काम आप कराओ। उन्होंने कहा जी जरूर कराएंगे। 2 साल कोविड आ गया। कोविड के बाद हमने साहब विधानसभा में प्रश्न लगाए, आश्वासन मिलते रहे, फंड रिलीज नहीं हुआ। जब अंतिम समय आया, ये 28 करोड़ की फाइल थी जो मैंने कमिश्नर नगर निगम से पास कराई, डायरेक्टर लोकल बॉडी ने साइन कर दिए, सेक्रेटरी लोकल बॉडी ने साइन कर दिए, इवन देन मंत्री कमल गुप्ता जी थे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा जी मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, मेरी विधानसभा में 2 बच्चे भी मर चुके हैं, खास तौर से सीवरेज ओवरफ्लो की वजह से नाले में गिर के। ये सारे काम वो है जो बेसिक एमिनिटीज हैं लोगों की, कि पानी की निकासी हो जाए, सड़क बन जाए, पुल पुलिया बन जाए, और इतने बड़े शहर में जहाँ हजारों करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे खर्च हो रहे हैं, 28 करोड़ कोई भलुम भी रकम नहीं है। मंत्री जी ने भी साइन कर दिए, कहने लगे देख भाई नीरज तेरे को पता है सब चीज़ें तो मुख्यमंत्री ने करनी होती है। जब वो मेरी फाइल मुख्यमंत्री जी ने पास नहीं करी, तो इसको श्राप कह लो या अंदर से अंतरात्मा के अंतरात्मा से पास आवाज आई कि भाई अब आप इस सीट पे नहीं रहोगे जो आपने मेरी विधानसभा के उसके संग बोलने के कितने भेदभाव। दिन बाद ऐसा हुआ?
मेरे ख्याल से मार्च से पहले, शायद 1-1.5 महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री हट गए, तब की जब कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। वो। प्रभु जो दिल से मैं एक कहता एक हूं, सवाल और है जो अभी राष्ट्रीय राजनीति में चल रहा है, वैसे तो मैं आपके लोकल लेवल पर ही पूछूंगा इसे। कई सांसद कह रहे हैं कि हमें इन समुदाय ने, खासकर से बिहार में कहा गया कि मुसलमानों ने वोट नहीं दी, यादवों ने वोट नहीं दी, अब हम उनके व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। जबकि मैं ट्रेनिंग में भी बोलता हूँ और आप भी मानते होंगे इस बात को कि जब एक व्यक्ति विधायक या सांसद बन जाता है तो पूरे क्षेत्र का होता है। देखिए साहब, हमारे यहाँ लगभग 3 लाख वोट है, जी सारे आदमी तो वोट ही नहीं डालते। पहली बात तो हमें पिछली बार MLA बना तो लगभग 70,000 लोगों ने वोट दी होगी, तो ये तो मेरी सोच ही गलत है। मेरे चुनने में उन 70,000 लोगों का सहयोग था, पर जब मैंने शपथ ले ली तो मैं 70,000 का नहीं हूँ, 3 लाख का हूँ। कोई व्यक्ति ये भावना रखता है किसी जाति के प्रति, किसी समुदाय के प्रति, किसी वर्ग के प्रति, तो मैं समझता हूँ उसने जो संविधान की शपथ ली है, जिस भी हाउस का वो सदस्य बना है, उसने उसकी झूठी शपथ ली है। संविधान की शपथ आपको ये नहीं कहने के लिए कह सकती कि आप इसका काम करेंगे, इसका नहीं करेंगे। भाई अपने दरवाजे पे तो दुश्मन भी आ जाए, उसका भी स्वागत करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ राष्ट्रीय राजनीति में जैसे राहुल जी LOP बन गए तो आपको और कांग्रेस पार्टी को बहुत शुभकामनाएं, बट आपको लग रहा है राहुल गांधी जी डिजर्व करते हैं और उनमें परिपक्वता आई है, मेच्योर हुए हैं वो? नहीं, राहुल जी शुरू से ही मैच्योर हैं। बट जिस तरह से उनकी छवि बनाई गई छवि तो अलंकर। नहीं, छवि तो देखो आपको भी पता है कैसे बनती है और कैसे बिगाड़ी जाती है। राहुल जी कोई ऐसा तो है नहीं कि 2014 से पहले नहीं थे, 2014 से पहले भी थे। आज इस देश में किसान के हित में, आदिवासी के हित में, दलित के हित में, गरीब के हित में, पिछड़ा वर्ग के हित में जो भी फैसले हुए राहुल जी की रहनुमाई में हुए। इवन देन आपको याद होगा कि राहुल जी तो उस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, भले ही अपनी सरकार थी, किसानों का भूमि अधिग्रहण में नुकसान हो रहा था, उन्होंने उसका बिल ही खुद फाड़ दिया था। तभी तो लोगों ने कहा कि इमेच्योर है ये तो नहीं तरीका। नहीं गठबंधन की सरकार थी, हो सकता है कोई चीज मजबूरी में हाँ करनी पड़े ना करनी पड़े, वो इन मैच्योरिटी की बात नहीं थी। वो ये था कि भैया ठीक है, नहीं मेरे जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे ऐसा गलत काम नहीं हो पाएगा। ये तो 14 के बाद जब ये भाजपा की सरकार आई तो इन्होंने शायद अपनी छवि बनाने पे 1 रुपया खर्च किया होगा, राहुल जी की छवि बिगाड़ने पे 10 रुपये खर्च करें। तो वो छवि अब ठीक हो गई है आपको लग रहा है? ठीक नहीं, छवि तो पहले ही ठीक थी, जो ये थोड़ा सा धुंधलापन लोगों की आंखों पे छा गया था, हाँ वो जो हटा दी। बीजेपी ने पैसा फेंक फेंक के ये धुआं उत्पन्न कर दिया था, वो धुआं अब छट गया। चलिए बहुत अच्छा लगा। आखिरी सवाल है, धर्म की राजनीति जो चल रही है आपको क्या लग रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है? वैसे तो मंदिर का मुद्दा इस बार उतना हिट नहीं हुआ उनका, बट वो तो छोड़ेंगे नहीं, तो आपको लग रहा है ये राजनीति चल पाएगी लंबे समय तक, या जो राहुल जी कह रहे हैं वही राजनीति चलेगी, मुद्दों की राजनीति होगी, रोजगार पर बात होगी, महंगाई पर बात होगी? देखिए मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना, नहीं, हम भी मंदिर दर्शन करके आए। कहा जा रहा है कांग्रेस में कई लोग छोड़कर चले गए इसलिए कि उन्हें मंदिर जाने नहीं दिया जा रहा। नहीं ये सब वो हैं भ्रामक प्रचार। अच्छा मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, वैसे तो रामायण के ही है पर सबसे ज्यादा प्रचलित गोस्वामी तुलसीदास जी की जी है। कंब रामायण के अंदर एक वर्णन आता है, मैं एक दिन बैठा था, एक भाजपा के विधायक थे मेरे साथ, चैनल पे लाइव बहस चल रही थी, तो वो बार बार पूछ रहे थे कि क्या सोनिया जी जाएंगी, क्या सोनिया जी जाएंगी, क्या सोनिया जी जाएंगी। तो मैं हर जगह ये कथा जरूर सुनाता हूँ, उसके बाद काफी चैनलों ने तो मुझे बुलाना भी बंद कर दिया है। अच्छा कंब रामायण में क्या वर्णन आता है कि जब जो सेतु बंध रामेश्वर है, वहां पर लंका पे चढ़ाई करने से पहले राम प्रभु को शिवलिंग की स्थापना करनी थी। वहां आज भी मिट्टी के ही शिवलिंग है, बिल्कुल किसी धातु के या वैसे शिवलिंग नहीं। तो तय हुआ कि भाई शिवलिंग की तो स्थापना होनी है, किसके हाथों, आचार्य कौन मिलेगा या ब्राह्मण कौन मिलेगा। तो सबने कहा जी यहाँ दूर दराज तक रावण से ज्यादा विद्वान कोई नहीं है। तो जामवंत जी को भेजा गया कि रावण को आप निमंत्रण दे के आए,
कि भाई ऐसे ऐसे राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करनी है, क्या आप उसका पूजा पाठ करने के लिए आ जाएंगे। जामन जी गए, रावण से बातचीत हुई। रावण ने कहा कि आप उन यजमानों के लिए आना चाहते हो जो लंका पे विजय करना चाहते हैं। उन्होंने भी गोल गोल जवाब दिया। रावण ने कहा कि चलो आप एक ब्राह्मण के पास आए, एक आचार्य के पास आए हो, अपनी पूजा करवाने के लिए आए हो। मैं नहीं करूंगा, वो दूसरा करेगा। अपने यजमान को कहना मैं पूजा के लिए तैयार हूँ। जैसे आज भी होता है कि हम घर में कोई पूजा है तो पंडित जी से कहते हैं पंडित जी लिस्ट बना दो क्या क्या सामान लाना है। हाँ, तो जामवंत जी ने कहा कि महाराज पूजा की जो सामग्री सामग्री वो बता है दो। वो बता दो। तो रावण ने कहा कि ये पूजा का विधान है, जब यजमान घर से बाहर हो तो सब चीज एकत्रित करना आचार्य का फर्ज है। आप तो यजमान से इतना कहना कि सुबह नहा धो के तैयार रहे, मैं शुभ मुहूर्त पे आऊंगा, सारी चीजें मैं खुद लाऊंगा। जमंत जी के जाने के बाद रावण ने शोक वाटिका संदेश भिजवाया और सीता माँ को बताई सारी बात, और ये भी कहा कि आप वापसी में जिद नहीं करेंगी कि मुझे नहीं आना, क्योंकि राम जी शादीशुदा हैं और बिना धर्म पत्नी के तो पूजा लगेगी नहीं। तो रावण सीता माँ को खुद लेके गए, पूजा कराई, राम जी के साथ बिठाया। उस समय ये चर्चा भी हुई कि सीता माँ को यहाँ बिठा लो। तो रावण ने कहा कि पूजा का ये भी विधान है, जो सारा बचा हुआ सामान है, हवन सामग्री, पूजा सामग्री, जैसे हवन होने के बाद हम समेटते हैं, वो भी सब आचार्य वापस लेके जाता। मैंने कि रामराज जी की बात करते हो, मैंने कि जसोदा बहन जाएगी नहीं जाएगी इसका निर्णय करो। जब मोदी जी मुख्य यजमान बनने की सोच रहे थे, मोदी जी बिना जसोदा बहन के किस बात की पूजा करने जा रहे मैं थे समझ वहां? रहा हूँ। जसोदा बहन का क्या स्टेटस है? वो विधवा है, तलाकशुदा है, क्या है? और मैं एक बात और बताऊं, बहुत से जो भक्त हैं जिनकी आंखों पे चश्मा चढ़ा पड़ा है, सिर्फ आप उनको इतना कह देना कि भाई साहब आपके घर में बच्चे कितने हैं, वो कहेगा दो लड़की और एक लड़का, कि भगवान तुझे मोदी जैसा दामाद मिले, वो आपको जूते मारने को ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। नहीं खैर, ये तो अलग बात हो जाएगी। कुछ लोग यहीं भड़क जाएंगे क्योंकि सभी पार्टी के लोग फॉलो करते हैं मुझे। लेकिन मैं, सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि क्या मंदिर की राजनीति करना ठीक है, धर्म की राजनीति ठीक है, या ये चलेगी या नहीं चलेगी, या मेन मुद्दों पे बात नहीं करें। देखिए साहब, वो कौन सा भजन है हमारा, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। मंदिर भी हमें चाहिए, ये हमारी अपनी आस्था का विषय है। जिसने मस्जिद जाना है मस्जिद जाए, जिसने गुरुद्वारे में जाना है गुरुद्वारे में जाए, जिसने चर्च में जाना है चर्च में जाए। मतलब उसके आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं राजनीति तो आज आप अमेरिका की बात करें, डेवलप कंट्री, आप जापान की बात करें, आप चीन की बात करें, आप देखिए अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वहाँ इन सब मुद्दों पे थोड़ी होता है, वहाँ इस मुद्दे पे होता है जी, मुद्रा संस्फीति की दर क्या थी, डॉलर कितना मजबूत हुआ, होमलेस लोगों के लिए सरकार क्या स्कीम लेके आ रही है, टैक्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डिफेंस पे हम क्या खर्च करेंगे, रोजगार के कितने साधन बनाएंगे, राजनीति एक खुल तो के मैं बात कर समझता रहे हूँ। हैं, जब खुल के बात करें कि यार कभी राहुल जी या कांग्रेस के नेताओं ने मना किया आपको कि राम मंदिर मत जाइए या राम कथा मत करिए, जिस तरह के आरोप लगते हैं उन पर? ये बिल्कुल मिथ्या है, राहुल जी का और दीदी का तो इतना इंटरेस्ट है आप सोच भी नहीं सकते इन सब चीजों में। जब भी मौका मिलता है कोई ना कोई प्रसंग बात जरूर रामायण की छिड़ती है, और मैं ये विश्वास से नहीं, प्रभु राम की सौगंध खा के कह सकता हूँ, मुझे आज तक किसी कांग्रेसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि आप राम कथा ना करिए या राम मंदिर ना जाइए। जब मैं पहली बार जूते चप्पल और वस्त्र धारण करके गया, मेरे संग भाई दीपेंद्र हुड्डा जी थे। जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, उससे हम 2-4 दिन पहले गए, हमारे संग भाई हुड्डा जी थे, बहन मोना मिश्रा थी, यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे जी थे, सुप्रिया श्रीनेत जी थी। ये तो लोगों ने गफ्फा फैला रखी है कि कांग्रेस वाले मंदिर के लिए मना करते हैं, कांग्रेस वाले मंदिर नहीं जाना चाहते, ये सब लोगों की अफवाहें हैं और बेकार की बात। आप क्योंकि विधायक हैं तो विधानसभा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी आते हैं जो फरीदाबाद से रिलेटेड, आपकी जनता से रिलेटेड होंगे, और बहुत सारे फरीदाबाद के लोग सुनते भी हैं मुझे। क्या संदेश देना चाहेंगे उनको कि अगली बार अगर आपको मौका मिलता है, विधायक बनते हैं, तो क्या करेंगे, कौन से काम रह गए? देखिए काम तो बहुत सारे रह गए। सबसे पहला आज ही मैं हुड्डा साहब को बता रहा था कि कवि ने लिखा, ना होता अगर जल
तो जग जाता जल। हमारे शहर में सबसे बड़ी परेशानी पानी की है, पीने का पानी नसीब है नहीं और सीवरेज के पानी की निकासी नहीं हो पा रही। और हुड्डा साहब ने कहा भी है कि हमारी सरकार बनेगी, पहले भी पानी का इंतजाम हुड्डा साहब ने किया था जो रेनी वेल के कुएं बनाए। भीलवाड़ा शहर में किसी जमाने में रेल से पानी जाता था, कांग्रेस की सरकार में वहाँ 320 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछी, चंबल नदी का पानी आता है। तो हुड्डा साहब ऐसी हमारी कोई पानी की परियोजना लेके आएंगे। और सीवरेज निकासी की हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, उसका भी हुड्डा साहब उद्धार करेंगे। ये दो चीज़ें हमारे बहुत ज़रूरी हैं। 10 साल में जिस हिसाब से हमारे शहर की आबादी थी, कांग्रेस ने इस फरीदाबाद शहर को बसाया, नेहरू जी ने बसाया, उस समय मात्र हमारे शहर की आबादी 1.25 लाख थी। उस 1.25 लाख की आबादी पे एक सरकारी अस्पताल था। आज हमारी आबादी 50 लाख पहुंच चुकी है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बढ़ना चाहिए था, पिछले 10 साल में वो नहीं बढ़ पाया, उसका बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम अपने फरीदाबाद शहर का भविष्य को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो कम से कम 2 करोड़ लोगों की जनसंख्या को कल्टीवेट कर पाए, जिससे आने वाले 25-30 साल किसी को कोई तकलीफ ना हो। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ थे नीरज शर्मा भारती जी, जो विधायक भी हैं और उन्होंने बता ही दिया, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े भी रहे हैं, मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, लेकिन एक बेहतरीन विधायक, बेहतरीन व्यक्ति। अगले हफ्ते फिर किसी विधायक सांसद से आपकी मुलाकात कराएंगे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा, नीरज शर्मा जी से कोई संदेश देना चाहें तो कमेंट में लिखिएगा, जरूर वो संदेश भी उन तक पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।